कलाकार अमृता बारले का निधन हो गया है। शंकराचार्य अस्पताल में अंतिम सांस ली, कुछ समय से बीमार चल रही थी। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित थी अमृता, मिनीमाता राज्य अलंकरण से सम्मानित थी। बड़ी ही दुखद खबर, लोक कलाकार अमृता बारले का निधन हो गया है। कई दिनों से बीमार चल रही थी, लंबे वक्त से बीमार चल रही थी और शंकराचार्य अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित भी थी अमृता, मिनीमाता राज्य अलंकरण से सम्मानित उनको किया गया। लोक कलाकार रह चुकी हैं अमृता बारले, जिनका निधन आज हुआ है। शंकराचार्य अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। लंबे वक्त से वो बीमार चल रही थी और उनका इलाज चल रहा था, अब जाकर के उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें, राष्ट्रपति सम्मान से अमृता सम्मानित थी, मिनीमाता राज्य अलंकरण सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। कुछ समय से बीमार चल रही थी और शंकराचार्य अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बड़ी ही दुखद खबर, लोक कलाकार अमृता बारले का निधन हुआ। निश्चित रूप से आज संपूर्ण कला जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि जैसे ही ये खबर मिली संपूर्ण शहर में हलचल मच गई, क्योंकि ये अमृता बारले जो प्रसिद्ध लोक गायिका थी और साथ में ये अपने स्वभाव के कारण भी पहचानी जाती थी। 65 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। करीब सप्ताह भर से इनकी अधिक ज्यादा तबीयत खराब थी और ये वजह से इनका शंकराचार्य अस्पताल में भिलाई में इलाज चल रहा था और दो दिन से कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हुई। इनको वेंटिलेटर में रखा गया था और आज शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। जो अमृता बारले हैं वो राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित की जा चुकी है, मिनीमाता राज्य अलंकरण समारोह में भी इनको सम्मानित किया गया था। तो काफी ये प्रसिद्ध कलाकार थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कला पर समर्पित कर दिया था। जब इनके निधन से अचानक निधन हुआ, इनसे काफी शोक की लहर दौड़ पड़ी और कलाकार काफी दुखी है। कल इनका अंतिम संस्कार भिलाई के रिसाली क्षेत्र में किया जाएगा। जी जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। कांके